हाय फ्रेंड्स, वंस अगेन हम बात करेंगे तो बहुत ही अच्छी डॉग्स ब्रीड के बारे में जो है जर्मन शेफर्ड एंड लासा एप्सो। सो फ्रेंड्स, जर्मन शेफर्ड की आज की हमारी तीसरी वीडियो है, बट इस वीडियो में आप लोगों को लासा एप्सो भी देखने को मिल जाएगा, तो उसके बारे में हम लोग आगे वीडियो में बात करेंगे। सो फ्रेंड्स, ये जर्मन शेफर्ड एक फ्रेश फीमेल है और ओनर ने इसकी फर्स्ट हीट मिस करा दी है, तो अभी कुछ ही दिनों में ये सेकेंड हीट पे आने वाली है जिसमें आप लोग इसका लेटेस्ट साइज ले सकते हैं। तो अगर इस फीमेल की क्वालिटी के बारे में बात करें तो काफ़ी अच्छी क्वालिटी है और साथ में एंगुलेशन भी काफ़ी अच्छा है। वैसे मोस्टली लोगों को ये चीज़ काफ़ी पसंद आती है, बट इनमें कुछ ऐसे लोग भी हैं जिन्हें जर्मन शेफर्ड में एंगुलेशन बिल्कुल भी पसंद नहीं। बाकी आप लोग भी एक बार अपने ओपिनियन मेरे साथ जरूर शेयर करें कि आप लोगों को एंगुलेशन वाले जर्मन शेफर्ड पसंद है या फिर बिना एंगुलेशन वाले। जर्मन शेफर्ड बहुत ही फेमस, लॉयल और इंटेलिजेंट डॉग ब्रीड में से एक है जो वर्ल्ड डॉग रैंकिंग में नंबर 3rd पर आते हैं। अगर आप लोगों के पास जर्मन शेफर्ड है तो मुझे नहीं लगता कि इसके अलावा आप लोगों को कोई और डॉग ब्रीड पसंद आएगी, क्योंकि जर्मन शेफर्ड अपनी फैमिली के लिए बहुत ही फ्रेंडली, प्लेफुल और प्रोटेक्टिव डॉग्स होते हैं। इन्हें ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता कि इनके होते हुए इनके ओनर या फैमिली मेम्बर को कोई भी टच करे। जर्मन शेफर्ड को अगर आप लोग एज ए गार्ड डॉग परचेज करना चाहते हैं तो ये आपकी एकदम बेस्ट चॉइस है, क्योंकि इनके होते हुए मुझे नहीं लगता कि आपके घर में कोई भी स्ट्रेंजर आपकी इजाज़त के बिना आ सकता है। अगर इस फीमेल के कोट के बारे में बात करें तो ये फीमेल मीडियम कोट में है, जिसे आप लोग आसानी से मेंटेन रख सकते हैं। और फ्रेंड्स, दूसरे डॉग्स की तरह जर्मन शेफर्ड को भी सोशलाइज करना काफ़ी ज़रूरी होता है, अदरवाइज ये बड़े होकर अग्रेसिव हो सकते हैं। वैसे मैंने बहुत से ऐसे लोग देखे हैं जो ये कहते हैं कि जर्मन शेफर्ड फर्स्ट टाइम ओनर्स के लिए नहीं होते, बट मुझे इनमें ऐसा कुछ भी नहीं लगा जिसकी वजह से फर्स्ट टाइम ओनर्स इन्हें नहीं रख सकते। फर्स्ट टाइम ओनर्स भी इन्हें ईजिली हैंडल कर सकते हैं, बाकी डिपेंड करता है इनकी ट्रेनिंग और सोशलाइजेशन को लेके, आप लोग इन्हें कैसे सोशलाइज करते हैं। तो अगर इस फीमेल की एज के बारे में बात करें तो ये जर्मन शेफर्ड 14 मंथ की हो चुकी है और इसकी जो लोकेशन है वो है मेरठ यूपी से। गाइस, सबसे अच्छा तो यही रहेगा कि आप लोग इसे डायरेक्ट जाकर परचेज करें, अदरवाइज आप लोगों को ओनर 15-20 किलोमीटर तक डिलीवरी भी दे देगा। और अगर इसके प्राइस के बारे में बात करें तो ओनर जो इसके प्राइस की डिमांड की है वो कि 14,000 पीस यानी 14,000 रुपये, प्राइस में थोड़ा बहुत डिस्काउंट आप लोगों को मिल सकता है, तो उसके लिए आप लोग डॉग ओनर से बात करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए फ्रेंड्स, अब बात करते हैं हमारी एक और बहुत ही प्यारी डॉग ब्रीड के बारे में जो है लासा एप्सो। तो दोस्तों, लासा एप्सो एक ऐसी डॉग ब्रीड है जिसकी पूरी बॉडी पे बहुत ही ज़्यादा हेयर होते हैं, यहाँ तक कि उनके फेस पे भी। ये डॉग्स दिखने में बहुत ही क्यूट होते हैं और इनके स्मॉल साइज की वजह से ये छोटे घरों में भी आराम से रह सकते हैं। वैसे सिट्ज़ू तो आप लोगों ने देखे ही होंगे, लासा एप्सो और सिट्ज़ू में ज़्यादा कुछ फर्क नहीं होता, बस जो लासा एप्सो होते हैं उनके हेयर सिट्ज़ू से थोड़े बड़े होते हैं। लासा एप्सो को वन ऑफ द बेस्ट वॉच डॉग माना जाता है। इन्हें किसी भी स्ट्रेंजर से खतरा होने पे ये अपने मालिक को तुरंत अलर्ट कर देते हैं। लासा एप्सो अपार्टमेंट फ्रेंडली डॉग्स होते हैं, इन्हें बाहर घूमना इतना ज़्यादा पसंद नहीं होता, इसीलिए अपनी फैमिली मेम्बर्स के साथ रूम टू रूम घूमते रहते हैं। इन डॉग्स की एक बहुत ही खास बात होती है, अगर आप लोग इन्हें कुछ देर के लिए घर पे अकेला भी छोड़ के जा रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि लासा एप्सो इंडिपेंडेंट होते हैं और इन्हें अकेला रहने में कोई दिक्कत नहीं आती। तो दोस्तों, अगर इस लासा एप्सो की एज के बारे में बात करें तो ये एक मेल डॉग है और ये 17 मंथ का हो चुका है, और लोकेशन मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता चुका हूँ, मेरठ यूपी से। तो अगर इसकी प्राइसिंग के बारे में बात करें तो ओनर ने जो इसके प्राइस की डिमांड की है वो की है 18,000 रुपीस यानी 18,000 रुपये, प्राइस में आप लोगों को दोनों डॉग्स में डिस्काउंट मिल जाएगा, तो उसके बारे में आप लोग डॉग ओनर से ज़रूर डिस्कस करें। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की छोटी सी वीडियो इन दोनों डॉग्स ब्रीड के बारे में। तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें और शेयर करें अपनी फ्रेंड और फैमिली के साथ। तो जल्दी मिलते हैं हमारी एक और न्यू एंड इंटरेस्टिंग वीडियो में, तो तब तक के लिए गुड बाय।